तहज्जुद के टाइम ना बेचैनी सी होनी शुरू होगी, घबराहट सी शुरू होगी, मोबाइल पकड़ के तो मौलाना तारिक जमील के बयान सुनना शुरू होगी। जेंट्स कपड़े पहन के मैं अहले इलाका की मस्जिद में जब गई अल्लाह के घर पे तो मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। मैंने फिर अपना घर तोड़ के, मैं भी खाना बदोश, मैंने घर तोड़ के यहाँ पे मरले डेढ़ की मस्जिद तामीर की जिसमें पहले 70 बच्चा पढ़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब 81 बच्चा पढ़ रहा है कुरान पाक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंगनाग। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ख्वाजा सरा से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी रंगीनियों भरी जिंदगी छोड़कर, डांस पार्टियां छोड़कर, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की राह पर वक्फ कर दिया और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की दीन की तालीम का बीरा उठा लिया, अपने घर को तोड़कर एक छोटी सी मस्जिद बना दी जहां पर 5 वक्त नमाज अदा की जाती है और बच्चों को कुरानी तालीम दी जाती है। मेरे साथ बैठे हुए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये ख्याल कैसे आया, ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली किस तरह से आई, कब इन्हें अल्लाह ने हदायत दी और इन्होंने ये नेकी का काम शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि कब आपकी ज़िंदगी में ये चेंजेस आई? मैं फंक्शन करके वापस आई तो रात को नींद नहीं आ रही थी, मैंने ना इवेंट से मेकअप करके ना, मैं वापस जब मेकअप करके वापस आई तो मतलब अपना फंक्शन करके तो मुझे नींद नहीं आई। तहज्जुद के टाइम ना बेचैनी सी होनी शुरू होगी तो मैंने नहाया, फिर नींद लेने की कोशिश की, फिर ना नींद आई, तो फिर इसी तरह मेरा ना दिल जो ना घबराहट सी शुरू होगी। मैंने मोबाइल पकड़ के तो मौलाना तारिक जमील के बयान सुनना शुरू होगी। तो इसी तरह फिर माशाल्लाह रमज़ान का महीना आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह नेकी का महीना, उसमें कोशिश की, मैंने कपड़े चेंज किए, जेंट्स कपड़े पहन के मैं अहले इलाका की मस्जिद में जब गई अल्लाह के घर पे तो मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो ना लोग अजीब सा मुझे देख रहे हैं कुछ इस तरह के ना, मुझे बिल्कुल ही ना आवाज़ आ रही शुरू होने लगी। तो फिर मैंने कोशिश की, या बारिक ताला जब अल्लाह हदायत देता तो लोग फिर भी इस तरह के इशू उठाने थे। फिर मैं वापस आई तो मेरे साथ बच्चे तैयार हो गए, आपा चले हम मस्जिद में चलते, जब गए फिर लोगों की झोंपड़ी वालों की उन्होंने इज्जत नहीं की, फिर मुझे ना अच्छा नहीं फील हो। मैंने फिर अपना घर तोड़ के, मैं भी खाना बदोश, मैंने घर तोड़ के यहाँ पे मरले डेढ़ की मस्जिद तामीर की जिसमें पहले 70 बच्चा पढ़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब 81 बच्चा पढ़ रहा है कुरान पाक। तो माशाल्लाह आप इन्हें माशाल्लाह से खुद कुरान मजीद की तालीम देती हैं? नहीं, मैं खुद भी नहीं पढ़ी हुई थी, मैं खुद भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके साथ पढ़ती मैं भी पढ़ना शुरू होगी। यहाँ पे कारी आते हैं, तकरीबन 2 कारी आते थे, तो एक कारी साहब जो कुरान पाक पढ़ाते हैं, दूसरे कारी साहब जो है ना 5 वक्त की नमाज पढ़ाते थे। तो बैगिंग की वजह से मेरी बैगिंग नहीं सही हुई, तो गर्मी थी, मैं बाहर भी नहीं चला गया, तो उसके दौरान वो फिर हमें छोड़ के चले गए। मैंने उनकी 2 महीने की सैलरी नहीं दी, वो कह रहे आपा आपकी वजह से ना मेरी, देखिए मेरे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मेरे भी अखराजात पूरे नहीं होते, तो आपकी मेहरबानी, तो नाराज़गी नहीं होना तो मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से भी अफोर्ड नहीं हुआ, उनसे भी नहीं हुआ, वो यहाँ से चले गए। तो इस तरह की मुश्किलें आनी पड़ गई, यहाँ की नमाज़ छूट गई बच्चों की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वो कारी साहब आ रही हैं, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से अभी भी कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, कि ना मुझे टेंशनें बहुत ज़्यादा होनी शुरू होगी। अच्छा बताइएगा कि वो ज़िंदगी जब मतलब मेकअप करना, तैयार बनाओ, सिंगार करना, फिर डांस करने जाना और वो पार्टीज, सारे मामलात, और अब आपने बिल्कुल ही अपना ज़िंदगी का जो रुख है वो तब्दील कर लिया, अल्लाह की राह पर चल पड़ी हैं, तो क्या क्या दुश्वारियाँ आईं या सुकून मिला दिल को? अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर अब ये सुकून की ज़िंदगी। देखिए वहाँ पे मेकअप भी करती थी, लोग बुरा बरा भी करते थे, अच्छा नहीं भी होता था, वो कहता मैं शेयर नहीं करना चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह जब का ये मैंने झोंपड़ी में एक छोटी सी मस्जिद दर्ज बनाई हुई ना, तब से अल्लाह ने इतना सुकून दिया हुआ मैं आपको बता ही नहीं सकती कि देखिए ये अल्लाह का घर है, जो जितना भी बेचैन होता ना ये कुरान पाक सामने आ जाए, ये पढ़ना शुरू हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह उसके दिल में एक जज्बा सा शुरू हो जाता है कि बहुत नेकी का काम ही। देखिए ये झोंपड़ी में बच्चों को पढ़ाने के लिए ना बहुत मुश्किलें थी, यहाँ पे जब बारिश पड़ती बाहर इतना कीचड़ होता है, फिर बच्चे आते जूते गंदे होते हैं, बाहर कुछ चीज़ भी नहीं इस तरह की, फिर चटाइयाँ गंदी होनी शुरू हो जाती, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है ना मैंने काम जज्बे के साथ ये रखा हुआ है, ऊपर से बारिश भी पड़ती बच्चे पढ़ रहे हैं। तकरीबन बाहर से मुझे ना, मैं बैगिंग से वापस आई तो ना मैं ना कुरान पाक लेके आई, बारिश की वजह से मेरे पास सेफ्टी की कोई जगह नहीं, तो सारे जो ना बारिश की वजह से शहीद हो गए। शहीद होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा ना दिक्कत आएगी, या बारी ताला हमें थोड़ी सी सहूलत मिल जाए ताकि ये बच्चे भी पढ़ जाएँ और ये कुरान पाक भी सेफ हो जाए। आपके पास 81 स्टूडेंट्स हैं जो कुरान की तालीम ले रहे हैं, तो किस तरह से मैनेज करती हैं? सारी बात कोई अखराजात भी होते होंगे? ये देखिए ये 81 बच्चा कुरान पाक पढ़ने वाला है, इनको 2 टाइम का खाने की भी अरेंज कर रही हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह के 2 टाइम का तो नहीं, 1 टाइम का खाना भी दिया जा रहा है इधर, और तकरीबन 81 बच्चा है, यह हिसाब लगा लें
बाहर के बच्चे भी देखें वो भी बहुत चिड़ी मतलब तंग करते हैं कारियों को, इसी तरह ये भी बच्चे हैं। फिर वो कहता है रेलें भी टूटती हैं, वो नहीं लेनी पड़ती हैं, ये सिपाही शहीद कर देते हैं, वो नहीं लेने पड़ते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ जाएंगे यहाँ से, कोई आलम दीन हाफ़िज़ कुरान मुफ्ती बन जाए, हमें बेहतर हो जाएगा, यानी कि आपकी आखिरत का भी सामान हो जाएगा। हाँ, बेहतर हो जाएगा। तो क्या तरीक़ेकार है अगर आपको कोई डोनेट करना चाहे तो किस तरह से? माशाल्लाह आप आते, मैं बहुत आपसे भी खुश हूँ कि आप मुझे फेमस तो कर ही दिया है, तो अब ये कि मैं फ़ोन नंबर दे रही हूँ अपना, तो जिसने भी हेल्प करनी है, जिसने भी हमारे साथ मस्जिद में हिस्सा डालना है, तो आपकी बहुत मेहरबानी। ये अच्छा निक्की का काम है। ये देखिए 80 बच्चा कुरान पाक पढ़ जाएगा, हमें भी सवाब और आपको भी सवाब है। एक तो ये झोंपड़ी में रहने वाले, इनका जज्बा बहुत अच्छा है कि देखिए यहाँ पे बारिश भी पड़ती है ये फिर भी आ रहे हैं, यहाँ पे ठंड भी होती है फिर भी आ रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे, इनकी मैं जो ना देखे ना चीज़ों को, बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो आपके यही मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आपका अपना फ़ोन नंबर दे रही हूँ, अपनी लोकेशन दे रही हूँ ग्रीन टाउन बाड़िया की, तो आप आएँ। जो बाहर की कम्यूनिटी हमारी हेल्प करना चाहती है तो हम फ़ोन नंबर अपना दे रही है मीडिया पे, तो आप इनसे रابطہ करके मतलब वीडियो को देख के रابطہ करें तो आप आके ये देख सकते हैं। जी नाज़रीन, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप रابطہ कर सकते हैं। और ये 3 सालों से ये नेकी का काम कर रहे हैं, और अगर आप इनके साथ हिस्सा डालना चाहते हैं, कोई मुखय्यर हज़रात डोनेशन देना चाहते हैं, रابطہ कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी है इस नंबर पर, और अगर आप फिज़िकली आकर विज़िट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।